और दोस्तों सामने देखेंगे आप, वो है 550 साल पुराना कुआं। दोस्तों ये है मेन गेट जहाँ से एंट्री होती है, और ऊपर देखेंगे आप लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इसका जो डिजाइनिंग है वो काफी हद तक छूट चुकी है, जो पत्थर वगैरह है वो रह गए हैं। खैरुल मनाजिल जहाँ पर बादशाह अकबर जो हुमायूं के पोते थे उन पर अपने लोगों द्वारा पहली बार अटैक हुआ था इस जगह पे। ये जो जुड़ा होगा दोस्तों ये पुराने किले के अंदर आती होंगी सारी दीवारें। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जो कि दिल्ली की छुपी हुई जगह है, और आप दिल्ली में काफ़ी समय से रह रहे होंगे लेकिन आपने, मुझे यकीन है कि वो जगह नहीं देखी होगी। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने आज से पहले ये जगह देखी थी कि नहीं देखी थी। और दोस्तों फिलहाल हूँ मैं जहाँ पर पुराना किला है और जू है, जो एशिया का सबसे बड़ा जू है। तो आप देख सकते हैं मेरे इस तरफ है नेशनल जूलॉजिकल पार्क, और आप मेरे राइट साइड में देखेंगे तो ये है दोस्तों खैरुल मनाजिल, जो कि एक बहुत पुराना किला है हुआ करता था। और अभी इसका गेट बंद कर दिया है, वो इसलिए कि घना जंगल है इसके अंदर और अभी एंट्री नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक मस्जिद है जो पुराने टाइम की है, और उस मस्जिद का निर्माण कब हुआ था और वो मस्जिद प्रसिद्ध क्यों हुई। दोस्तों जो अकबर को पहली बार जो अटैक किया गया था अपने लोगों द्वारा, वो उस मस्जिद के अंदर किया गया था, और यही खास बात है कि वो मस्जिद प्रसिद्ध हुई। और ये किला इसीलिए आधे हिस्से में बढ़ चुका है और जो मस्जिद ही मस्जिद रह गई है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो पुराना किला होगा वो इन दीवारों से अटैच होगा और इन दीवारों को तोड़ करके बीच में जो रास्ता है वो बनाया गया होगा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं वो मस्जिद जहाँ पर अकबर पर पहली बार अटैक हुआ था अपने लोगों द्वारा। तो आइए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ खैरुल मनाजिल, उसके मेन गेट पे खड़ा हूँ, और आप जैसे यहाँ पे आएंगे तो इसका साइट प्लान पढ़ सकते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये जो खैरुल मनाजिल है इसका फारसी में अर्थ होता है सब भवनों में उत्तम, यानी कि सबसे ऊंचा। और ये मुगल बादशाह अकबर की दाया महामंगा ने इसको 969 हिजरी और दोस्तों 1561 से लेकर 1562 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। और दोस्तों ये वो जगह है खैरुल मनाजिल जहाँ पर बादशाह अकबर जो हुमायूं के पोते थे उन पर अपने लोगों द्वारा पहली बार अटैक हुआ था इस जगह पे, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए सिर्फ मस्जिद खुली हुई है, और आप मेरे पीछे देखेंगे ये पूरा जो साइड प्लान देखेंगे ना आप, ये इनकी दीवारों को देख करके लगता है कहीं ना कहीं ये जो जुड़ा होगा दोस्तों ये पुराने किले के अंदर आती होंगी सारी दीवारें, और जब रोड बनाया गया होगा तो शायद इसको तोड़ दिया गया है। तो दोस्तों अंदर है मस्जिद और कुआं है, वजू खाने के लिए जगह है, और दोस्तों इसके अंदर मदरसा है। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर और जो बातें हैं बाकी की अंदर करेंगे। आइए दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप ये इसका मेन दरवाजा है, और ये लाल बालू पत्थर से बना हुआ है। इसमें देखेंगे आप काफ़ी सारी डिजाइनिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, और ये देख रहे हैं आप ये कलश की डिज़ाइन है, उससे ऊपर जो देखेंगे आप ये ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन है, साथ ही साथ इसमें एक खिड़की भी है जहाँ पर लेफ्ट एंड राइट आपको देखने के लिए मिलेगा अल्लाह लिखा हुआ है। और भी इसमें बहुत सारी डिज़ाइन है, हाथी के सूट की डिज़ाइन भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी, तो काफ़ी खूबसूरत है। तो चलिए दोस्तों अब चल रहे हैं अंदर की तरफ, और अंदर से दिखाते हैं कि इस मस्जिद के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से बनी हुई। दरवाजे देखेंगे ना आप, काफ़ी पुराने दरवाजे हैं और देख सकते हैं आप ऊपर देखेंगे ना स्ट्रक्चर ये लाल बालू पत्थर से बना हुआ है। और आइए अंदर दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है मेन गेट जहाँ से एंट्री होती है, और ऊपर देखेंगे आप लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इसका जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी हद तक छूट चुकी है, जो पत्थर वगैरह है वो रह गए हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मस्जिद के अंदर। तो दोस्तों देखेंगे आप ये इन सभी जगहों को कहा जाता था आरामगाह, और यहाँ पे आराम करते थे लोग। अभी फिलहाल ये टूट चुका है, काफी बड़ी बड़ी दीवारें आपकी ऊपर तक देखेंगे आप, ऊपर इसमें जाने के लिए है, ये मेन गेट ही काफी बड़ा है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि काफी बड़ी जगह होती होगी। और दोस्तों सामने देखेंगे आप वो है 550 साल पुराना कुआं जिसमें आज भी पानी निकलता है। यह है वजू खाना, यहाँ पे चप्पल लेके ना चढ़ें, अगर आप लोग आ रहे हैं तो जूते उतार दें, जैसे कि साइड में देखेंगे आप उतरे हुए हैं। और अभी मस्जिद में आ चुके हैं हम लोग, तो अभी है 12:15 बज रहे हैं, तो नमाज में अभी काफ़ी टाइम है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मस्जिद का अंदर का व्यू है,
और काफ़ी अच्छा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है मस्जिद आज भी, और साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ नमाज़ होती है। तो आप देख सकते हैं ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, और बीच में देखेंगे आप ये भी एक आयत लिखी हुई है। तो यहाँ पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं गेट पे, और ये जो आप दरवाजे देखेंगे यहाँ पर मदरसा हुआ करते थे और यहाँ पे तालीमात होती है, और अभी यहाँ पे नमाज होती है जो कि नमाज यहाँ पर जहर असर और मगरिब की होती है। और आप ये देखेंगे 550 साल पुराना कुआ है जिसमें से हम पानी निकालेंगे और पियेंगे खुद अपने हाथों से। और ये है यहाँ पे वजू खाना जहाँ पर वजू वगैरह की जाती है। दोस्तों काफ़ी बड़ी दीवारें हुआ करती थी इसकी जो कि आप साइड से देखेंगे तो अभी नष्ट हो चुकी है, और काफ़ी सारे कमरे बने हुए हैं। ये देखेंगे आप यहाँ पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों देखेंगे आप ये मस्जिद है अंदर से, ये जो देखेंगे आप लैंप ये चिराग के लिए रखे हुए जिसमें आप देखेंगे दिया रखा हुआ है। ये देखेंगे ना आप ये काफ़ी इसकी जो डिजाइनिंग है पत्थर बहुत चूरा चूरा हो चुका है आज की डेट में, बहुत ही ज़्यादा चूरा हो चुका है आज की डेट में, और काफ़ी गुड कंडीशन तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ ये है कि एक सेफ मोन्यूमेंट बन गया है जिस देखभाल करने पर। तो दोस्तों ये जो आप रास्ता देखेंगे ये दरअसल आप देखेंगे ये ना अभी बंद किया गया PSI के द्वारा, और ये है खैरुल मनाजिल के तरफ जाने का, मतलब जी जो शेरशाह सूरी गेट है उसकी तरफ जाने का रास्ता है ये, और बंद कर दिया गया है। कोई रीज़न का हुआ होगा इस चीज़ का बंद करने का। फिलहाल तो काफ़ी पुअर कंडीशन में ये देखने के लिए मिलेगा आपको। तो ये एक ऐसी मस्जिद हमने पहली बार मॉन्यूमेंट देखा है जो कि फिलहाल गुड कंडीशन में नहीं है। तो दोस्तों हमारे गांव में भी कुआ था और हमने कभी पानी नहीं निकाला, तो आज हमें ये खुशनसीब मिली है कि हम 550 साल पुराने कुएं से पानी निकालेंगे। तो आइए दोस्तों, तो अभी फ़िलहाल देखेंगे आप मैं जा रहा हूँ कुएँ के तरफ और पानी निकालेंगे आज इस कुएँ के अंदर से। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रहेगा आज का एक्सपीरियंस। और दोस्तों देखेंगे आप काफ़ी गहरा कुआ है, तो दोस्तों काफ़ी गहरा कुआ है और पानी दिख रहा होगा आपको, तो अभी पानी निकालते हैं और वो दिख। दोस्तों ये है बाल्टी और अभी हम कुएं में डाल रहे हैं, पानी निकालेंगे। जाने दीजिए। तो भाई हमारी बाल्टी अंदर जा चुकी है और हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं। बहुत कर्रा होता है कुएं से पानी निकालना, देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद में फाइनली हमारी बाल्टी ऊपर आ रही है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आप पानी निकाल लिया हमने, और अब हम पलटते हैं इसमें और पियेंगे। तो दोस्तों 550 साल पुराने कुएं का पानी पीने जा रहे हैं और सच बताऊं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, तो पीते हैं। तो दोस्तों माइक में पानी चला गया था, और सच बताऊं ना ये कुएं का पानी इस तरीके से है जैसे ठंडा है, और जैसे मटके का पानी होता है ना उस तरीके से काफ़ी अच्छा फील है, तो बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा रहता है पानी। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है दोस्तों इस कुएं के पानी का। सो दोस्तों जैसे आप एंटर करके आएंगे और अपने राइट साइड मुड़ेंगे तो आपको एक छोटी सी गली दिखेगी जिसमें कि एक ये भी है, ये भी शायद कुआ हुआ करता होगा उस टाइम का जो कि बंद कर दिया गया है, और कंडीशन दोस्तों काफ़ी ख़राब है इसकी, और ASI से गुजारिश है कि इसकी मरम्मत कराई जाए ताकि ये भी PSI के अंडर आए और अच्छी इमारतों में इसका भी नाम। तो दोस्तों ये थी खैरुल मनाजिल मस्जिद और 550 साल पुराना कुआ जिससे हमने पानी खींचा और पिया, काफ़ी अच्छा लगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये जगह है नेशनल जूलॉजिकल के पार्क के सामने और पुराने किले के सामने, तो आप लोग आए इस मस्जिद में तो कुएं से पानी जरूर पिए, काफी अच्छा टेस्ट है। सो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस जो कि हिडन है ना, छुपे हुए हैं, वो देखने के लिए मिलेंगे। और ये जगह आई होप आप लोगों ने आज से पहले नहीं देखी होगी, तो आप लोग जब भी जूलॉजिकल के पार्क के सामने आए, जू के पास आए, तो आप इस कुएं से पानी जरूर पिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और मिलते हैं बहुत जल्दी किसी नए हिस्टोरिकल ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड।